आज हम लोग क्लास 11 पाठ समुच्चय की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। तो इसमें आज प्रश्न नंबर 13 से हल करेंगे। तो इसमें तो प्रश्न नंबर 13 में है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से, है ना, तो कुल देखिए कुल 600 विद्यार्थी हैं। तो हम इसको पहले समष्टि समुच्चय के अवयवों की संख्या 600 लिख लेते हैं, ठीक ना। तो सर्वेक्षण 600 लोगों पर हुआ है, तो ज्ञात हुआ है कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं, इसमें माना पहले है, इसमें चाय तो लिखेंगे टी, चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय है, समुच्चय है एवं सी कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, समुच्चय है। तो इसमें लिखा है 150, है ना, ये है, ये क्या है, चाय पीने वाले, तो एन टी बराबर 150 और 225 कॉफी, तो 225 कॉफी और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टी सर्वनिष्ठ सी बराबर 100 हो गया। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी, देखिए ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो ना तो चाय भी पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। इसी प्रकार देखिए जो, इसीलिए ये जो सबसे बड़ा मान दिया रहता है वो हमेशा यूनियन के बराबर नहीं होता, ठीक ना। यदि ये लाइन इसमें नहीं होती कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, तब ये हमको ये जो यूनियन, ये जो समिष्टि समुच्चय में दिया है 600, यही चीज़ हमको यूनियन में प्राप्त हो जाता। मगर इसमें ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पियेंगे और ना ही कॉफ़ी, तो इस प्रकार हमको ये पूरा ये यू जो दिया है ये यहाँ यूनियन नहीं होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अगर हम ये टी यूनियन सी लिखे होते 600 तो ये हमारा गलत हो जाता, ठीक ना, क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी में से कोई भी पीने वाले नहीं हैं, ठीक ना। तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है जो ना तो टी, है ना, चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या 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 करना होगा, तो देखिए ये जो लिखेंगे तो इसको हम पहले देख लेते हैं, ये ज्ञात करना है फिर इसको हम हल करते हैं। देखिए ये लिखा है टी डैश सर्वनिष्ठ सी डैश, तो इसके लिए हम पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यान टी सर्वनिष्ठ, सॉरी टी सम्मिलन सी का ये डैश, ठीक ना, डी मॉर्गन ला हमने लगाया है। देखिए अगर हम इसको ओपन करेंगे तो टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्राप्त होता है, ठीक ना, तो डी मॉर्गन लॉ का ये नियम है। और अगर हमें ये निकालना हो तो हम इसको निकाल सकते हैं कि यन यू में से अगर हम इसके टी यूनियन सी को अगर माइनस करें, ठीक ना, डैश है ना, इस समुच्चय का ये डैश है, तो अगर इसके केवल इसका समुच्चय का मान ज्ञात करना हो तो देखिए इसमें क्या निकालेंगे, ये इसमें समष्टि समुच्चय में से टी यूनियन सी का माइनस कर देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें ये हो गया मैथमेटिकल रूप में, अगर हम इसको सिंपल फॉर्मूले में ज्ञात करना चाहें तो हम इसको पहले, इसमें हम पहले यूनियन ज्ञात करते हैं,
तो यहाँ निकलेगा, एक सूत्र लगा लेंगे, टी सम्मिलन सी बराबर एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी सर्वनिष्ठ सी। तो टी कितना है, 150 प्लस 225 और सम्मिल ए है 100, 5 7 3 माइनस 100 तो ये जगह 275। देखिए ये लिखा है टी सम्मिलन सी, मतलब ऐसे व्यक्ति हैं ये जो टी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं और ये दोनों पी सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमको अगर शुरू में अगर इसको अगर हम यूनियन मान लिए होते तो यहाँ हमको देखिए आंसर में फ़र्क पड़ गया, ठीक ना। तो इसलिए हमेशा हर बड़ी इसमें जो जो भी क्वेश्चन में सबसे बड़ा मान दिया रहता है, जो सबसे बड़ा मान दिया रहता है वो हमेशा यूनियन नहीं होता है। तो इसमें देखिए ये हमको प्राप्त हो गया, अगर हम इसका मान इसमें यहाँ रख दें और ये यूनियन का मान 600 यहाँ रख दें तो हमको ऐसे व्यक्ति भी आ जाएंगे जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। या तो देखिए देखिए ये कुल व्यक्ति हैं, ठीक ना, ये कुल व्यक्ति हैं। अब व्यक्तियों की में ऐसे ये लोग ऐसे लोग हैं जो या तो चाय पियेंगे या तो कॉफ़ी पियेंगे या तो दोनों पियेंगे। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो वे व्यक्ति आ जाएंगे जो ना तो चाय पियेंगे ना तो कॉफ़ी पियेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, चाहें तो आप इस सूत्र में लगा लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या तो सीधे घटा लेंगे तो लिखेंगे अतः अतः विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं बराबर कितना हो जाएगा, 600 माइनस 275। तो ये हो जाएगा 75 में 25 जोड़ देंगे 325 हो जाएगा ये। तो 325 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 को हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 में है, इसमें पहले हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले भाषाओं को जानने वाले का समुच्चय बना लेते हैं। माना यच हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। समुच्चय है एवं ई अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। ऐसे हो गया। और इसमें लिख रहा है, देखिए अब इसमें लिखेंगे हम यन एच, है ना, हिंदी कितने हैं 100 लोग जानते हैं और यन ई 50 विद्यार्थी हैं और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, मतलब यच सर्वनिष्ठ ई बराबर 25। और इसमें देखिए लिखा है, विद्यार्थियों में से
प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है, ठीक ना। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी नहीं है जो हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी भाषा न जानते हों। इनमें कोई न कोई, सभी विद्यार्थियों में से कोई न कोई एक भाषा जरूर जानते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमको इसमें यच सम्मिलन ई ज्ञात करेंगे, ठीक ना। यही हमको सभी विद्यार्थियों की संख्या बताएगा। यदि इसमें ऐसे भी विद्यार्थी होते जो ना तो हिंदी जानते हों और ना ही अंग्रेजी जानते हों, तब हमको ये सभी विद्यार्थियों की संख्या नहीं बता सकता था। देखिए इसका मतलब हुआ कि ऐसे विद्यार्थी जो या तो हिंदी जानते हों या इंग्लिश जानते हों या दोनों जानते हों, ठीक ना, इसमें वो व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, इसमें ये शामिल नहीं होंगे जो कुछ नहीं जानते हों, ठीक ना। मगर इस प्रश्न में दिया है कि सभी विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थी कोई न कोई एक भाषा तो जानता ही है, है ना। तो इस प्रकार यही वाला जो सम्मिलन है वही इस पूरे विद्यार्थियों की संख्या को दिखाएगा। तो इसमें हमको ये ज्ञात करना है, तो हम ये सूत्र लगा लेंगे, यन यच सम्मिलन ई बराबर यन यच प्लस यन ई माइनस यन एच सर्वनिष्ठ ई। मान रख देते हैं ये है 100 और ये है 50 माइनस ये 25, तो 150 में 25 गया तो 125, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 25 है। तो लिखेंगे अतः समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 125 है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 में है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग यच तथा आई दोनों, 11 लोग यच तथा टी दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें जो जो सूचना दी है उसके आधार पर देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है पहले 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, तो इस प्रकार पहले हमको एन यू है ना, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से ये एन यू ही है ना। इसमें मतलब ये सभी कुल लोग 60 लोग हैं। अब इसमें देखिए इसमें आगे लिखा है 25 लोग, ये देखिए अलग अलग समाचार पत्र है तो लिख लेंगे पहले, माना समाचार पत्र यच को पढ़ने वाले लोगों का समुच्चय एच है ना, यच पढ़ने वालों का यच ही मान लिए। इसी प्रकार समाचार पत्र न्यूज़पेपर है ये, समाचार पत्र टी को पढ़ने वालों का समुच्चय टी है, यहाँ लिख ले रहे हैं, बीच में ऐसे ही रहेगा ये सब। फिर एक समाचार पत्र आई भी है, तो लिखेंगे समाचार पत्र आई को पढ़ने वालों का समुच्चय आई ले लिया। तो इसमें देखिए क्या हो गया, 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, तो लिखेंगे एन एच बराबर 25, 26 लोग टी, तो लिखेंगे एन टी बराबर 26, और 26 लोग समाचार पत्र आई, मतलब 26 ही पढ़ते हैं इसको भी, आई वाले को भी 26 लोग पढ़ते हैं, 9 लोग यच तथा आई दोनों को, तो लिखेंगे यहाँ पर 9 लोग यच सर्वनिष्ठ आई दोनों को, तो हो गया 9, 11 लोग यच और टी दोनों को, तो ये 11 लिख लिया, 8 लोग
टी तथा आई दोनों को, टी तथा आई दोनों को, ये 8 लोग हो गया। और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखेंगे यच सर्वनिष्ठ टी सर्वनिष्ठ आई बराबर ये 3 हो गया। तो ये सब हमको सूचना दिया हुआ था, तो इसके आधार पर हमने ये बना लिया। अब देखिए इसमें लिखा है, पहला भाग लिखा है, तो लिखा है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो देखिए कम से कम का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जितना भी दिया हो, मतलब 3 समाचार पत्र दिया है तो वो अधिक से अधिक तीनों पढ़ सकता हो। तो कम से कम का मतलब ये समाचार पत्र यच को भी पढ़ ले, या टी को पढ़ ले, या आई को पढ़ ले, या तीनों को पढ़ ले, या दोनों को पढ़ ले, है ना, दोनों को पढ़ सकता हो। तो कम से कम का मतलब हमको ये निकालना है, यन एच सम्मिलन टी सम्मिलन ये आई याद करना है। तो हमने 3 समुच्चयों का सूत्र लिखवाया था, यन एच प्लस यन टी प्लस यन आई माइनस यन एच सर्वनिष्ठ टी माइनस यन टी सर्वनिष्ठ आई माइनस यन एच सर्वनिष्ठ आई प्लस यन एच सर्वनिष्ठ टी सर्वनिष्ठ आई। अब इस पर हम मान रख देंगे, तो ये दिया है 25, तो 25 प्लस ये टी प्लस आई 26 प्लस ये है टी वाला देखें 11 है, 11 माइनस रहेगा यहाँ पर, और टी आई 8 और ये 9 और यहाँ ये 3 दिया हुआ है। तो इनको हल कर लेंगे, तो देखिए 25 25 25 25 दूनी 50 तियाई 75 76 77, तो ये 77 हो गया। 77 के बाद 78 79 80, तो ये हम पूरा 30 80 लिख ले रहे हैं। माइनस अगर 11 में 9 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, ये 28 हो गया। अब 80 में 28 घटाएंगे तो मतलब कि 30 50 52, तो ये 52 आंसर आया, ठीक ना। तो कम से कम एक समाचार पत्र को पढ़ने वाले 52 लोग प्राप्त हुए। अब देखिए इसमें दूसरा भाग दिया है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो देखिए इसमें देखिए ये कुल दिया हुआ है ना, समाचार कुल व्यक्ति या लोग कितने थे, 60 लोग थे। और देखिए इसमें अगर हम इसको अगर यूनियन मान लिए होते तो देखिए हमारा यूनियन 52 आया है और यहाँ पर 60 है, इसलिए इसमें हमेशा सबसे बड़ी संख्या को ही इसमें यूनियन नहीं लिया जाता है, ठीक ना। तो अब इसमें ऐसा भी हो गया कि 60 में से अगर 52 लोग कोई न कोई एक समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं, तो कुल मिला के मतलब 60 माइनस 52 8 लोग ऐसे लोग हैं जो ना तो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ना तो ए एच ना तो टी और ना ही आई पढ़ने वाले समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया, यूनियन निकल गया। अब हमको देखिए निकलना है दूसरा भाग में, केवल ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, ठीक ना। तो हम इसको मिटा के इसमें हम वेन डायग्राम भी दिखाते हैं, इसका देखिए 52 आया हुआ है। अब हम इसका यहाँ एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, तो वेन डायग्राम 3 समुच्चयों को लेके बनाएंगे, 3 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं यहाँ। तो एक हो गया ये समुच्चय, एक ये हो गया, और एक ये प्राप्त हुआ। इसको हम यच मान लेते हैं, इसको टी और इसको आई। दूसरा भाग लगाने के लिए ये वेन डायग्राम की मदद से बन जाएगा। अब देखिए इसमें ये जो पोर्शन है, ये वाला ये जो पूरा ये पोर्शन है, ये केवल ये व्यक्ति हैं जो केवल यच समाचार पत्र को पढ़ते हैं, और ये वाला पोर्शन जो है ये टी समाचार पत्र को पढ़ने वाले हैं, और ये आई समाचार पत्र को पढ़ने वाले हैं, और ये जो है उभयनिष्ठ पाठ है, यच और टी वाले को पढ़ने जो दोनों पे समाचार पत्र पढ़ते होंगे, ये वाला पोर्शन है, ठीक ना। और ये वाला पोर्शन जो टी और आई को पढ़ने वाले हैं,
और ये वाला पोर्शन, ये जो उभयनिष्ठ पोर्शन है वो यच और आई को पढ़ने वाले हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन है वो ऐसे लोग हैं जो तीनों को पत्र को पढ़ते होंगे। तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ और ये हम जी मान लेते हैं। तो अब इस प्रकार देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ हम लिख लेते हैं। हमको देखिए क्या ज्ञात करना है, हमको केवल ये ज्ञात करना है ये ए वाला संख्या कितना आएगा, ये सी वाला और ये ई वाला, इन तीनों को लेकर हमको जोड़ देंगे तो इसका आंसर ज्ञात होगा कि केवल एक एक समाचार पत्र, ये वाले ए वाले ऐसे लोग हैं जो केवल एच को पढ़ते होंगे, सी वाले केवल टी को और ई वाले केवल आई को पढ़ने वाले होंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये क्या दिया हुआ है, एच, एच में क्या है ए बी जी एफ, मतलब ये 25 का मान क्या दिया है, ए बी जी और एफ, ये मतलब 25 दिया हुआ है। ये टी दिया है, देखिए ये लिखा है B प्लस C प्लस D प्लस G बराबर ये 26 है ना, ये सही हो गया। अब I का देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है E प्लस D प्लस G प्लस F, तो ये 26 दिया हुआ है। और इसमें देखिए ये है जो है ये उभयनिष्ठ H और I, एच और आई का उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है, तो ये है अपना एफ, एफ प्लस जी है, तो यहाँ लिखेंगे एफ प्लस जी है ना। ये एच और आई में देखिए उभयनिष्ठ ये पार्ट है, ठीक ना, एफ और जी, तो एफ प्लस जी लिख लिया। फिर एच और टी का उभयनिष्ठ पार्ट बी प्लस जी है, तो बी प्लस ये जी हो गया। और ये देखिए क्या है, टी और आई, टी और आई का उभयनिष्ठ डी प्लस जी दिया हुआ है, ठीक ना। और ये क्या दिया हुआ है, ये केवल जी दिया है, ये जी ऐसे लोग हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए ये हो गया तीन, तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये जी हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगर इसमें हम ये जी का मान देखिए यहाँ तीन है, तो हम इसको हटा कर यहाँ पर देखिए यहाँ तीन लिख देते हैं। तो इस प्रकार अगर हमको इसको ज्ञात करेंगे, देखिए ये वाला, ठीक ना, तो ये क्या है, ये और ये वाला पोर्शन, मतलब ये एफ प्लस जी, एफ प्लस जी है, तो जी का मान हमको तीन प्राप्त हो गया है, और एफ कितना है, एफ हमको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो ये लिखिए, देखिए ये है, ये नौ दिया हुआ है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा हमको यहाँ से देखिए ज्ञात हो जाएगा, एफ बराबर देखिए यहाँ जी तीन है, तीन को जब पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, छः, तो एफ का मान ये छः प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर जी का मान तीन रख देंगे तो बी का मान ज्ञात हो जाएगा, तो देखिए बी का मान क्या ज्ञात हो गया, तीन, तीन माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, आठ, ठीक ना, तो बी का मान ये आठ हो गया। फिर ये जी तीन है, जी यहाँ तीन रख देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो डी का मान कितना जाएगा, आठ में तीन गया ये पाँच आ गया। तो यहाँ पे देखिए मान आते जा रहा है हमारा, तो एफ का मान कितना हो गया हमारा, छः हो गया। देखिए हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, यहाँ छः लिख दे रहे हैं, एफ बराबर छः, थोड़ा सा इसको हमको बड़ा बनाना चाहिए था। और बी बराबर कितना है, आठ आ गया, तो ये बी बराबर आठ आ गया, ठीक ना। तो चाहे इसको हम मिटा भी दे रहे हैं, हो गया अपना काम हो गया, तो ये एफ है, ये बी है, और ये डी कितना आया है, पाँच, तो लिखेंगे डी बराबर ये पाँच आ गया, ठीक ना। अब देखिए हमको अगर केवल ए निकालना है तो हमको इसको 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 पूरे एच में से हटा देंगे तो जो बचेगा ए प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ए का मान कितने हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी, ये रहा बी, आठ तीन छः, तो हमको ए का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, ये 25 माइनस माइनस बी जी एफ, बी जी एफ इनको जोड़कर इसको माइनस कर देंगे तो 8 6 14 15 16 17, तो यहाँ 17 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 17 3 5 6 7 8, तो ए का मान देखिए हमको 8 प्राप्त हुआ। ये लोग ऐसे लोग हैं जो केवल समाचार पत्र एच को पढ़ते होंगे। और फिर इसके बाद हमको क्या निकालना है, सी निकाल लेते हैं, तो सी क्या हो जाएगा, इनको जोड़कर
देखिए ये रहा टी वाला पोर्शन, ठीक ना। तो 26 है कुल, ये पूरा 26 है, तो उनमें से इनको जोड़ के घटा देते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा सी का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 26 माइनस, इनको जोड़ लेते हैं 8, 5, 13, 14, 15, 16, तो 16 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, तो सी का मान 10 प्राप्त हुआ। और फिर ई का मान, तो देखिए यहाँ 26 है पूरा आई, पूरा आई समाचार पत्र को पढ़ने वाले कुल 26 थे, उनमें से ये उभयन इनको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ई प्राप्त हो जाएगा। ई बराबर तो जाएगा 26 माइनस, इनको जोड़ लेते हैं 6, 7, 8, 9, 9, 5, 14, तो ये 14 हटा देंगे तो 14 हटा देंगे तो 6, 6, 12 आ जाएगा, तो ई का मान ये 12 आएगा। अब हमको ये सभी ए प्लस सी प्लस ई को जोड़ना है तो लिख लेंगे ए प्लस सी प्लस ई बराबर 8 प्लस 10 प्लस 12, तो ये देखिए 12, 8, 20 और 10, 30, तो 30 लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक एक प्रकार के समाचार पत्र को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में है, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पाद को पसंद करते हैं, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ठीक ना, तो इसको बना लेते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं, माना उत्पाद उत्पाद ए को पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय ए है। उत्पाद बी को, ठीक ना, पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय बी है एवं उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय सी है। ठीक ना, देखिए हम इसको लिख इस तरह कर दे रहे हैं मगर आप पूरा लिखिएगा। तो अब इसमें देखिए क्या दिया है, पहला लिखा है 21 लोग उत्पाद ए को पसंद करते हैं, तो यन ए बराबर 21 लिख लिया। 26 लोग उत्पाद बी को, तो यन बी बराबर 26 और 29 लोग उत्पाद सी को, तो यन सी बराबर 29। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी को, तो ए तथा बी को 14 हो जाएगा। 12 लोग उत्पाद सी तथा ए को 14 लोग बी तथा सी को पसंद करते हैं, और बी तथा सी हो गया। और 8 लोग ऐसे लोग हैं जो तीनों ही उत्पाद को पसंद करते हैं, तो लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। तो इस प्रकार हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि केवल सी को पसंद करने वाले। तो इसके लिए हम पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा वेन डायग्राम जिसमें तीनों उत्पाद के लिए समुच्चय बना लेंगे। तो ये है ए का उत्पाद को पसंद, ये बी वाला उत्पाद और ये सी वाला उत्पाद हो गया। ठीक ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो ये हो गया सी को, ये है ए, ये बी उत्पाद और ये सी और ये यू। देखिए यन ए है ना, इसका पहले कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए इसको मान लेते हैं ए,
इसको बी, इसको सी, इसको डी, फिर इसको ई, एफ और ये जी ले लिया। तो इस प्रकार देखिए ए दिया हुआ 21, 21 मतलब ये सभी लोग है ना, तो इसको लिख लेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये डी, और ये कितना है बी है, तो बी वाला पोर्शन पूरा है तो इसको लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ई प्लस ये एफ, और 29 हैं, 29 सी वाले हैं ये, तो यहाँ लिखेंगे सी प्लस डी प्लस एफ प्लस ये जी। और देखिए ए बी का उभयनिष्ठ, ए बी का उभयनिष्ठ बी प्लस सी हो जाएगा, तो ये देखेंगे बी प्लस सी, और सी ए, सी ए का डी और सी है दोनों उभयनिष्ठ, तो डी प्लस सी, और बी सी, बी सी में एफ और सी लिखा है, एफ और सी, और ये केवल सी दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको केवल ये वाला सी वाला पोर्शन मतलब सी, केवल इसको, केवल सी को उत्पाद को पसंद करने वाले का मान ज्ञात करना, मतलब जी मान ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। जी ये ऐसा है जो केवल सी पसंद करते हैं, ई केवल ऐसा है जो केवल बी उत्पाद को पसंद करते हैं, ये ऐसे लोगों की संख्या है जो केवल ए उत्पाद पसंद करते हैं, तो हमको केवल ये सी जी ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये, अगर ये सी बराबर 8 है तो यहाँ से एफ का मान कितना ज्ञात हो जाएगा, देखिए एफ बराबर 14 माइनस 8, तो 8 6 14, तो एफ का मान 6 आ गया यहाँ से, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा डी का मान ज्ञात हो जाएगा, तो देखिए 12 और 6 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे है ना, तो यहाँ से डी का मान, ये देखिए सी का मान रखेंगे 8, और 8 को पक्षांतर कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये डी का मान 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ सी का मान यहाँ रख देंगे 8, 8 पक्षांतर करेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, तो ये डी का मान ये 4 प्राप्त हो गया हमें। अब फिर यहाँ पर सी का मान रख देंगे 8 है तो 8 पक्षांतर करेंगे तो हमको यहाँ से बी का मान प्राप्त हो जाएगा, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 तो 6 हो गया। तो देखिए ये आ गया एफ डी और बी का मान आ गया। देखिए जी ज्ञात करने के लिए हमको एफ चाहिए था, सी ए, सी भी है और डी भी ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो देखिए हमको और अगर मान ज्ञात करना हो तो निकाल सकते हैं, मगर हमको केवल सी को प्राप्त, सी को उत्पाद को पसंद करने वाले हैं तो सी को उत्पाद के लिए क्या करेंगे, देखिए कुल सी कितना है, ये हैं 29 लोग हैं, ठीक ना। तो 29 में केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बराबर, देखिए कुल सी है उसमें केवल सी निकालने के लिए, देखिए कुल सी कितना है 29, इस 29 में से हम इसको मान कर देंगे डी सी एफ का मान माइनस कर देंगे, तो देखिए इसमें क्या आया है, डी का मान यहाँ 4 आया है, सी का मान 8 है और एफ का मान 6 आया हुआ है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 10 8 18, तो ये हो जाएगा 11। तो 11 लोग ऐसे हैं जो केवल सी को प्राप्त पढ़ते हैं। अगर देखिए अगर हमको केवल उत्पाद बी को पता करना होता तो हम बी का भी मान ज्ञात कर लेंगे और इसमें पूरे बी वाले समुच्च में से 26 में से इन तीनों को जोड़कर घटा देंगे तो बी वाला प्राप्त हो जाएगा, जैसे इस प्रकार जैसे प्रश्न नंबर 15 में हमने किया था। और ए का प्राप्त करना होता तो हम केवल बी का मान ज्ञात कर लेते और इन तीनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर लिए होते, ठीक ना, ए 21 में से। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया।